तो ये है हमारा फॉर्मेट लोन स्टेटमेंट का। ओके, तो यहाँ पे जो फॉर्मेट बनाना है, इसके पहले हम जो कुछ भी है उसको टोटल डिलीट कर देते। ये ऑलरेडी फॉर्मेट हमने लिया है, ठीक है। ऐसा फॉर्मेट बनाना है तो मैं आपको बता दूंगा। चलो ठीक है, अभी इसको टोटल फॉर्मेटिंग कर लेते पहले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑल क्लियर क्लियर फॉर्मेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको आपको जो कुछ भी अलाइनमेंट वगैरह अप्लाई करनी है वो प्रॉपर अलाइनमेंट अप्लाई कर दीजिए। फिर इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग वगैरह नॉर्मल तौर तरीके से आपके हिसाब से कर सकते हो। ओके, और इसको ऑल वर्ड्स आप अप्लाई कर दो, ठीक है। और उसके बाद ऑल सेलेक्ट करो, ठीक। टोटल यहाँ पे भी ऑल वर्ड्स अप्लाई कर दो। यहाँ पे मुझे टोटल ये फॉर्मेटिंग में चाहिए तो मैं इसको भी थोड़ा अप्लाई कर देता हूँ। और यहाँ पे मुझे मिडल अलाइनमेंट और वाइट स्टेट चाहिए, ठीक। और थोड़ा बोल्डी चाहिए, मतलब मेरा सब दिखना चाहिए डॉक्यूमेंट्स। तो ये हो गया फॉर्मेट। बट हम देखेंगे पहले कि हमें इंस्टॉलमेंट कैसे निकालना है, रेट कैसे निकालना है, टोटल पे और बैलेंस भी। बट उसके पहले हमको पता होना चाहिए हमारी लोन अमाउंट क्या है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट क्या है। तो इंटरेस्ट रेट एक्चुअल में आपको जो होना चाहिए वो परसेंटेज में होना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, फिर आपको पे कैसे करना है, ड्यूरेशन में वाइज पे करना है। तो आपका जो ड्यूरेशन रहेगा जितने दिन का है, मंथ का है, ईयरली है, और यहाँ पे मेथड भी मंथली, डेली, वीकली, ओके, और ईयरली भी आप वहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको, मेरा मंथली है तो मैं यहाँ पे मंथ्स डालूंगा, यदि मेरा डेली है तो मैं यहाँ पे डेट डालूंगा, ठीक है। यहाँ पे भी डेट में कर सकता हूँ डेट, ठीक है। उसके बाद आपका जो कुछ भी है फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे ले सकते हो। ओके, तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट, लोन अमाउंट और ड्यूरेशन तो होना ही चाहिए। तो हम पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकाल लेते, फर्स्ट इंटरेस्ट रेट भी, टोटल पे और बैलेंस भी फर्स्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें इंस्टॉलमेंट के लिए फॉर्मूला यूज़ करना है PMT, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट कर लेता हूँ। पहले मुझे निकालना है या फिर लगाना है रेट और डिवाइडेड बाय 12 मंथ, मतलब 12 मंथ में मुझे पे करना है, और नंबर ऑफ पर मंथ मुझे भी सिलेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे निगेटिव में मुझे लेना है, उसके बाद लोन अमाउंट, दैट इज अ PV वैल्यू। ओके, मैंने किया ब्रैकेट कंप्लीट। अब फॉर्मूला भी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट रेट भी क्या करना है, मेंशन करना है। अभी ये मेरा वैल्यू आ गया, ये एक्चुअल 1 लाख वैल्यू, तो यहाँ पे मैं 50,000 कर देता हूँ, तो मेरा ये रेट ऑटोमेटिक इधर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये सेल इससे कनेक्टेड है, जो हमने एज यहाँ पे ये एज अ फंक्शनिंग लगानी है, ठीक है। तो इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला है लोन अमाउंट इंटू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन। ओके, ये हो गया मेरा इंटरेस्ट रेट। अब देखो इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे कैलकुलेट होके एक्चुअल इंस्टॉलमेंट आपका दिख रहा है। ओके, मुझे टोटल पे निकालना है, मतलब इंटरेस्ट रेट और इंस्टॉलमेंट मिलके ही पे करना पड़ता है। तो मैं क्या करूँगा, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट रेट यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ओके, और मुझे बैलेंस निकालना है, तो मेरा बैलेंस क्या हुआ, लोन अमाउंट जो मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टोटल पे के साथ पे किया है, तो मेरा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे नहीं लगेगा, मेरा इंस्टॉलमेंट बैलेंस लगेगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू लोन अमाउंट माइनस इंस्टॉलमेंट। ओके, तो यहाँ पे मेरा बैलेंस भी मुझे मिल चुका है जो फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, अब ये फॉर्मूला हर बार डालते रहना पड़ेगा, तो इसके लिए भी आपको एक नॉर्मल ट्रिक बता देता हूँ। आप सेल को लॉक कर सकते हो, ओके, F4 दबा के लॉक कर सकते हो, जो सेल आपकी मूव नहीं होगी, एक जगह पे ही रहेगी। तो फिर मैं क्या कर देता हूँ, फिर से एक बार एक फॉर्मूला समझाने के तौर पे आपको डाल देता हूँ PMT। ओके, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट कर लेता हूँ। रेट आपको सिलेक्ट करने, इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय 12 मंथ। ओके, उसके बाद आपको लगाना है यहाँ पे नंबर ऑफ पर मंथ, ओके, जो कुछ भी होगा, फिर कॉमा PV वैल्यू, दैट इज वो आएगी माइनस में, ठीक है। और ब्रैकेट कर कंप्लीट करके मैं क्या करता हूँ, माइनस में फिर से आप ये रेट लगा देता हूँ। देखो आप, रेट यहाँ पे फिर से डिडक्ट नहीं हुआ, मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे निकालना है, इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट। ओके, अब जो इंटरेस्ट रेट मुझे निकालना है, तो मुझे क्या करना है, मेरा लोन अमाउंट पे मैंने पहले निकाला था, अब मुझे निकालना है बैलेंस के तौर पे। ओके, बैलेंस इंटू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन। अब क्या करो, यहाँ पे मुझे फॉर्मूला डायरेक्टली ट्रैक करना है, तो आप इसको डायरेक्टली अल्ट अपना F4 दबा के लॉक कर सकते हो। यदि आपके पास कंप्यूटर है तो आप डायरेक्टली F4 दबाओ, कीबोर्ड है तो, और नहीं है तो कंप्यूटर लैपटॉप में होगा तो फंक्शन की दबा के F4 दबा सकते हो। ओके,
ये हो गया आपका, और इसको लॉक लॉक किया है मैंने तो मैं ड्रैग कर सकता हूँ। और ये भी फॉर्मूला आपको लॉक करना है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या लॉक करना है आपको। फॉर्मूला मैंने एडिट किया, अब मुझे लोन अमाउंट भी वैसे ही सेम चाहिए, तो मुझे ये भी लॉक करना है, तो मैं F4 प्रेस कर देता हूँ। ये भी मुझे लॉक करना है, तो F4 यहाँ पे भी प्रेस कर देता हूँ, और यहाँ पे भी F4 प्रेस कर देता हूँ। बट यहाँ पे जो मेरा इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट अमाउंट है, वो मुझे ड्रैग नहीं करनी है, ठीक है। इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ तक, ओके ये हो गया मेरा। उसके बाद मुझे टोटल पे का करना है, तो टोटल पे सेम ही है हर जगह पे, तो मैं इसको डायरेक्टली ड्रैग कर देता हूँ, मुझे लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे सेम का कैलकुलेशन यहाँ पे, इसका इसका कैलकुलेशन यहाँ पे निकालना है, इसका इसका कैलकुलेशन यहाँ पे निकालना है, तो मैं डायरेक्टली ड्रैग कर लूँगा, ठीक है। और बैलेंस है, तो बैलेंस का मेरा फॉर्मूला है इज इक्वल टू, अब मैंने क्या किया था इसके पहले, लोन अमाउंट के साथ मैंने इंस्टॉलमेंट डेड माइनस किया था, है ना। तो अब मुझे क्या करना है, ये बैलेंस के साथ मुझे माइनस करना है, ओके। तो मैं इसको अभी डायरेक्टली ऐसा भी ड्रैग कर दूंगा, मुझे लॉक नहीं करना, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो मेरा जो लास्ट बैलेंस है, देखो यहाँ पे 0 आया है, ठीक है। यदि मेरा 0 नहीं आता, ठीक है, यदि मेरा 0 नहीं आता, तो फिर क्या होता है यहाँ पे, वो कहाँ पे भी फॉर्मूला थोड़ा बहुत रॉन्ग हो जाता। यदि आपका फॉर्मूला रॉन्ग होता है, तो यहाँ पे जो बैलेंस एक्चुअल में 0 शो नहीं करेगा। यदि आप राइट फॉर्मूला यूज करते हो, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वो शो हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर दूँ, तो यहाँ पे मेरी करेंसी चेंज हुई है डॉलर में, तो मुझे रुपीज में करनी है। तो आपको क्या करना है, होम टैब के नंबर ग्रुप में मोर फंक्शन को क्लिक करना है, उसके बाद करेंसी को क्लिक करना है, और यहाँ पे जो करेंसी है आपको ऑलरेडी डॉलर अप्लाइड है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे रुपीज सिलेक्ट करना है, ओके। तो मैं आ जाऊंगा रुपीज के साइन तक, और यहाँ पे मैं रुपीज साइन अप्लाई कर दूंगा, ओके। ये हो गया आपकी रुपीज साइन डायरेक्टली अप्लाई, ठीक है। ये हो गया आपका लोन स्टेटमेंट, और आई होप कि आपको ये लोन स्टेटमेंट समझ में आया होगा। उसके लिए जो कुछ भी फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आपको यहाँ पे अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है आपका इंस्टॉलमेंट का इज इक्वल टू PMT, ओके PMT, ओके ब्रैकेट स्टार्ट, और ये आपका फॉर्मूला है, ओके। आपको क्या करना है, पहले रेट निकालना है, ओके, और उसको डिवाइड करना है 12 मंथ, ओके। मतलब आपका जो कुछ भी मंथ रहेगा एज पर ड्यूरेशन, ओके। तो ड्यूरेशन यदि 24 का होगा, तो 24 लगाना है यहाँ पे, ठीक है। फिर नंबर ऑफ पर मंथ निकालना है आपको, वहाँ पे आएगा आपका ड्यूरेशन, ठीक है। फिर या जो आपका लोन अमाउंट है वो आएगा, और ब्रैकेट कंप्लीट करने के बाद माइनस में आएगा आपका इंटरेस्ट रेट, ओके। यह है आपका एक्चुअल फॉर्मूला, ठीक है, ऐसा है। और उसके बाद मैं इसको टोटली यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँ, ये रैंडम ब्रैकेट डाल देता हूँ, ठीक है, जो आपका फॉर्मूला आपको शो हो जाए, ठीक है। आप इसका भी ये ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं क्या करता हूँ, फिर से इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, मतलब ये अच्छा दिखे, ठीक है। ये फर्स्ट, और सेकंड फार्मूला आपका इंस्टॉलमेंट का, तो इंस्टॉलमेंट का फार्मूला भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू आपका आएगा, यही सेम फॉर्मूला है, ओके okay? उसके बाद आपको निकालना है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इंटरेस्ट रेट के लिए लोन अमाउंट इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंटू के लिए ये साइन दबाना है, ओके मल्टीप्लाई इंटू इंटरेस्ट, ओके ओके डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन, ठीक है। ये हो गया आपका ये फॉर्मूला। मैं क्या करता हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग सेम कॉपी कर लेता हूँ, और इसको अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ग्रामर मिस्टेक कर बेटा। उसके बाद टोटल पे करना है, टोटल पे का फॉर्मूला है, टोटल पे इज इक्वल टू
इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट रेट, ओके, जो कुछ भी आपके इंटरेस्ट रेट हो जाते हैं वो आपके इंटरेस्ट रेट वहाँ पे, ठीक है। मैं इसकी सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। फिर उसके बाद है आपका बैलेंस, ओके। तो बैलेंस के लिए मैं यहाँ पे जगह बना लेता हूँ पहले, ठीक है। बैलेंस इज इक्वल टू, सॉरी, बी ए एम एस, बैलेंस इज इक्वल टू लोन अमाउंट, जो कुछ भी आपकी रिसेंट अमाउंट है वो लोन अमाउंट माइनस इंस्टॉलमेंट, ओके। ये हुआ आपका एक्चुअल में एक शीट, ओके। इसको मैं थोड़ा आउटसाइड थीक बॉर्डर अप्लाई करूँगा, ठीक है। ये आपको प्रॉपर लर्निंग करना है इसका। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्क्रीनशॉट यदि आप कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हो, कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख रहे हो, तो आपके कीबोर्ड पे एक बटन होता है प्रिंट स्क्रीन सिस्टम रिक्वेस्ट। वो बटन प्रेस करने के बाद आप पेंट में डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हो। देखो मेरा स्क्रीनशॉट आ चुका है यहाँ पर, ओके। तो यही मैं थंबनेल के तौर पे लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। सेम इसको क्रॉप करके ठीक है, इसको कर दिया मैंने सेव। हाँ ठीक है।